तो चुनाव के समय वादे करना और वादे भूल जाना सियासत का दूसरा पहलू है। देश में चुनाव जब भी होते हैं चुनाव से पहले घोषणाओं का पिटारा खोलना और सरकारी खजाने की परवाह न करते हुए सौगातें देना उनकी सगल में आ गया है। योजना और सौगातों के सहारे भले ही सियासी दल खुद को स्थापित कर लेते हैं और सत्ता के शिखर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जिन वादों और दावों के आधार पर वो सरकार की नींव रखते हैं उनमें से कुछ योजनाएं तो अमलीजामा पहनती हैं, मगर ज्यादातर योजनाएं फाइलों में ही दफन हो जाती हैं। और जब चुनाव पूर्व किए वादे के मुताबिक योजनाएं जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचती हैं तो फिर आवाम का सरकार के प्रति नाराज होना भी लाजमी है। और फिर जब चुनाव की बेला नजदीक आती है तो फिर शुरू हो जाता है दावे और वादों का सिलसिला। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन चुनाव के पहले सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है और इस दांव के सहारे ही कहीं न कहीं सरकार आदिवासियों को अपने पाले में लेने का प्रयास भी कर रही है। और सरकार के सियासी एक दांव से दो फायदे होंगे। पहला, उपचुनाव में सरकार के पक्ष में आदिवासी आ सकते हैं, तो वही दूसरा यह है कि 2023 में प्रदेश में आम चुनाव होने हैं और उनमें भी सत्ताधारी दल यानी बीजेपी को फायदा मिल सकता है। आज की चर्चा सरकार की इस सियासी दांव पर लेकर सियासत की सौगात। शिवराज सरकार प्रदेश के आदिवासी वर्ग को बड़ी सौगात देने जा रही है। इसके तहत 89 आदिवासी विकास खंडों में राशन आपके द्वार योजना को लागू किया जाएगा। इनमें उचित मूल्य की राशन दुकानों से खाद्यान्न गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आदिवासियों को ही बैंक से ऋण दिलाकर वाहन खरीदवाए जाएंगे। सरकार ब्याज अनुदान के साथ प्रोत्साहन राशि भी देगी। इतना ही नहीं, इस योजना में काम करने वाले व्यक्ति को मासिक मेहनताना भी दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य खर्च के लिए राशि भी अलग से दी जाएगी। वही योजना को उपचुनाव से पहले सरकार का बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। प्रस्तावित योजना का लाभ प्रदेश के 23,80,000 परिवारों को मिलेगा। 7,500 गांवों में शुरू होगी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम फिलहाल राशन दुकान से होता है। 4,500 उचित मूल्य की दुकानों से ये कार्य किया जाता है। हितग्राहियों को खाद्यान्न लेने के लिए दूर दूर से आना पड़ता है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रस्ताव बनाया है। गांवों तक राशन सामग्री पहुंचाने के लिए आदिवासियों के वाहन का इस्तेमाल होगा। आदिवासी युवाओं के वाहन किराए पर लिए जाएंगे। वाहनों को खरीदने के लिए युवाओं को बैंक से ऋण भी दिलाया जाएगा। प्रोत्साहन राशि और ब्याज अनुदान भी सरकार देगी। 10,000 रुपए वाहन मालिक को मेहनताना मिलेगा। अन्य खर्च के लिए लगभग 16,000 रुपए दिए जाएंगे। 15-15 गांवों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। सरकार ने 20,000 करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला किया है। अलग अलग श्रेणी के किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा। जब जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दल अलग अलग तरह से लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और सरकार की इस घोषणा को भी सौगात सियासत वाली माना जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव से पहले की गई इस घोषणा को कैसे अमल में लाया जाएगा और कैसे इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। भोपाल से सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारा संयोजक व्यवसायिक प्रकोष्ठ बीजेपी विकास बोंदिया जी। बोंदिया जी आप स्वागत है। कांग्रेस वक्ता फिर सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, आप साथ हैं। और एक बार फिर हमारे साथ किया साइनी जी हैं विशेष टिप्पणी के लिए। फिरोज जी, योजना अच्छी है। 89 विकास खंड है, मैंने बता दिया कि 23,80,000 परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। अगर आदिवासियों को इसमें फायदा मिल रहा है तो कांग्रेस को क्या परेशानी है? देखिए, एक होती है योजना जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उस योजना को क्रियान्वयन करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं जी। ये सरकार जब चुनावी समर में फंस गई और जन आक्रोश इसके खिलाफ इतना जरूरत से ज्यादा हो गया कि ये ऊपर ही ऊपर चुनाव चल रहा है इनका, ये जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी। तो अब आपको घोषणाएं करना पड़ रही है। एक सरकार की नैतिकता होती है, जब चुनाव आचार संहिता लागू है तो इस योजना को आप 10 दिन बाद लागू कर देते और या इसको 15 दिन पहले लागू कर लेते तो भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब चुनावी समर में आ गए
और चुनाव में जब आप परेशान हो रहे हैं तो आप इस योजना को लागू कीजिए, करने की बात कर रहे हैं कि हम एक ऐसी योजना लाएंगे। मतलब आपको परेशानी आपत्ति इस बात को है कि आचार संहिता के दौरान क्यों किया? नहीं, वो तो एक नैतिकता बताई मैंने। दूसरी चीज, मामा तो है ही घोषणा वीर, उनने तो पहले ही मैयर को स्मार्ट सिटी बना रहे थे, अभी रहगांव में भी बोल रहे थे, बोलते बोलते रुक गए, किसी ने बता दिया कान में कि साहब वो मैयर वाली नहीं बनी, ये रहगांव की नहीं बताना, तो वो चुप हो गए। सवाल ये है कि इनकी सरकार आटा चोरी करते पकड़ी गई, हकीकत है कि आटा चोरी करते पकड़ी गई। कलेक्टर ने एक रिपोर्ट दे दी कि साहब 10 किलो गेहूं को जब पिसवाते तो 8.5 किलो हो जाता है। सरकार ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जैसे कभी उन्होंने आटा पिसाया ही नहीं है उन लोगों ने। नंबर दो, केंद्र सरकार ने लिख के भेजा कि मध्य प्रदेश में जानवरों के खाने वाला गेहूं और चावल जो था लॉकडाउन के दौरान सरकार ने बांटा। एक अधिकारी कोई बताएंगे जो सस्पेंड हुआ? एक कोई जांच कमेटी बैठी है जो इस पर काम कर रही है? तो सरकार की नियति नहीं है कि लोगों तक जो है राशन पहुंचे, लोगों तक जो है पीडीएस का गल्ला पहुंचे, वो नियति नहीं है सरकार की। पहले इस बात का, इन बातों के तो जवाब सरकार दे दे, फिर अगली बातें तो हम कर ही लेंगे। योजना अच्छी है लेकिन ये योजना प्रणाली है उस पर सवाल उठे। नहीं नहीं, योजना जो है, इस योजना में आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा आप दुकानें बढ़ा लीजिए। नंबर एक, हर गाँव में एक दुकान कर दीजिए, इसलिए ये फायदा हो जाएगा। उप दुकानें बहुत सारी होती है, और इस योजना में जितना आप पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर बेहतर होता कि आज आप जो है साबुन, केश तेल, सर्फ, क्या शकर, खाने का तेल, ये जो है इतनी महंगी चीजें हैं कि आज महंगाई की मार लोगों के ऊपर पड़ रही है, तो वो अगर आप उसमें कंपनसेट करेंगे तो शायद लोगों को ज्यादा फायदा हो जाएगा, ज्यादा फायदा होगा। आपको ये गांव-गांव जो घर घर चलाने वाली जो योजनाएं हैं, रोज तो डीजल के भाव बढ़ा रहे हैं, कितने दिन लोग गाड़ी अपनी चला पाएंगे, ये भी एक दिक्कत है। और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया में सरकार ने कहा था कि हम आपको लोन दिलाएंगे, सरकार जो है उसकी काउंटर गारंटी देगी। क्या हुआ उस योजना का? अपन इस योजना पे बात करने शुरू। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, सरकार क्या कह रही है इसमें कि हम नहीं, हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि आदिवासियों के दरवाजे तक वो राशन पहुँचाएंगे। देखिए इस योजना में कहाँ गड़बड़ दिखती है, कैसे पहुँचाएंगे, गाड़ियाँ दिलाएंगे, सरकार उनको गारंटी देगी, यही कह रहे हैं ना वो। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया में दिला लिया क्या इन्होंने लोन लोगों को, जो उन बेचारे आदिवासियों को ये लोन दिला देगी सरकार? नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो पीडीएस का जो गल्ला है वो राशन दुकानों से तो बट नहीं पाता, गाड़ी में और रख देंगे तो पता नहीं चलेगा कि वो गया कहां। ये सवाल नंबर दो पे उत्तर ले लें विकास जी का। ये सवाल बिल्कुल मुझे भी लग रहा है विकास जी, ये जो सवाल फिरोज जी ने उठाया है, अभी जो राशन की दुकानों से जो बटता है उसमें तो चोरी जाता है, आप भी जानते हैं, आए दिन राशन की दुकान वाला पता चला गेहूं बेचते पकड़ा गया, चावल बेचते पकड़ा गया, वो गरीबों का ही बचाता होगा ना। अब रहा सवाल इसका कि आप भेजेंगे कैसे, एक एक गांव में किसको देंगे उत्तरदायित्व, किए जाएगा वो, मतलब इसका वितरण, जो ये इसकी चोरी होती है उसको आप डिवाइड कर रहे हैं कि पहले तुम चोरी करो फिर तुम बांटने वाले जाओ, तुम भी आधा रख लेना आधा देना, कैसे संभव है ये? और आप उनको गाड़ी कर से खरीदवाएंगे, 10,000 आप उनको मेहनताना देंगे, उसका ब्याज कौन देगा जो उसको कर्ज देंगे, ब्याज क्या माफ करेंगे, लोन उसके पास अगर आपने उसको कम से कम उस पे जो डाउन पेमेंट होता है अगर देंगे उतना भी उसके पास नहीं होगा, करेंगे कैसे, इस योजना का अपनी जामा कैसे पहनाएंगे? आज की कैबिनेट बैठक में एक नीतिगत मसौदा आया और उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया। हाँ। कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, अगर हम लोगों के घर तक जाके उनको राशन मुहैया करा सकते हैं, उससे लोगों के पैसे की, समय की, श्रम की बचत होगी और कुछ लोग इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में रोजगार भी प्राप्त करेंगे, उस पूरी योजना को फैसिलिटेट करने में उन्हें रोजगार मिलेगा, तो इसमें देखिए नीतिगत कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो कोई जामा कैसे पहनाएंगे? मैं यही कह रहा हूँ आज की कैबिनेट में नीतिगत मसौदा तैयार हो गया, फैसला हो गया जी। अब उसके लिए आपको याद होगा लगभग 2-2.5 महीने पहले ही मुख्यमंत्री जी ने इस मामले के लिए डिपार्टमेंट को ताकीद किया था कि आप पूरी योजना बनाइए, वो योजना बनी है तो बन जाती है, ये बता रहे आचार संहिता खत्म हो जाती फिर लागू करते। सुन तो लीजिए, आचार संहिता तो उन स्थानों पे लगी ही नहीं है, उन क्षेत्रों में लगी ही नहीं है जहाँ के लिए योजना चालू की जा रही है। मैं तो यूं कहूंगा कि अगर पूरे मध्य प्रदेश में 7,000 ग्रामों को
अगर ये सहायता मिल रही है इस योजना के माध्यम से तो क्या कांग्रेस उसमें जोड़ा बनने का प्रयास कर रही है? क्या वो 7000 जोबट में एक भी खंड नहीं है आदिवासी, जो नवासी आदिवासी विकास खंडों में? वहां नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, आचार संहिता के चलते जोबट के लिए इस योजना को लागू करने की घोषणा हुई नहीं है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। अलीराजपुर में आचार संहिता कहाँ लगती है? आचार संहिता कहाँ लगती है? आचार संहिता कहाँ लगती है भाई साहब? नहीं, आपका, अरे आप मुझे ये बताइए, आपका डिबेट क्या है? नहीं, मेरा मुद्दा ये है कि अगर समय रहते सरकार कोई काम कर सकती है तो उसे नहीं करना चाहिए? नहीं, समय रहते नहीं है। कमलनाथ जी समान केवल ये एक्सक्यूज देते रहना चाहिए कि साहब हमें तो 15 महीने मिले थे, उसमें से लोकसभा इलेक्शन में इतने चले गए। सवाल ही नहीं। अरे भाई, नहीं, हम तो काम करने की इच्छा रखते हैं। नहीं नहीं भाई, हम ऐसा कहीं नहीं मान रहे। अभी तक आप वो जो मसौदा था उसको तकिए के नीचे रख के सो रहे थे। चुनाव आया तो आपने वो मसौदा बाहर निकाल के कैबिनेट में ठप्पा लगा दिया। फिरोज भाई, आपकी नैतिकता भी कोई चीज होती है। एक सरकार है, उसमें नैतिकता है। अगर आप अगर मिनिस्टर हैं, अगर और मिनिस्टर जो है गैर आचार संहिता लगे इलाकों में कोई काम किए जाने की चुनाव आयोग, अच्छा एक बात बताइए, आप ये बताइए कि आदर्श आचार संहिता लगी है, केंद्र सरकार के भी उपचुनाव हो रहा है जो संसदीय प्रणाली के तहत है, संसद का भी और यहाँ का भी। आप सरकार निर्णय ले रहे हैं और लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। आज ही जोबट में मुख्यमंत्री कह रहे थे कि भू अधिकार योजना का प्रारंभ मैं कराऊंगा। फिर हम संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते हैं तो आप कहते हो कि संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल मत उठाइए। भाई हम ये कह रहे हैं, आप पहले जवाब दो। आप देखिए, यहाँ इतना लंबा डिबेट खींच रहे हैं। आपकी पार्टी के लोग चुनाव आयोग गए हैं ना, आपने करी ना शिकायत, आपने बता दिया जनता को कि आप कैसे जोड़ा बनना चाहते हैं जनता को सहायता पहुंचाने वाले कामों में। अब नैतिकता और अनैतिकता का क्या फैसला है उसे चुनाव आयोग को करने दीजिए ना, पता लग जाएगा कि आप कितने अनैतिक हैं। लेकिन विकास कि लोगों को मदद मिलने वाले कामों बहुत अच्छी योजना मान लेता हूँ, लेकिन इसको 2 नवंबर के बाद लागू कर देते हैं तो ये विवाद नहीं होता। आपको हमको सबको पता है, सरकार ने लगभग 2-2.5 महीने पहले से ही वर्किंग चालू कर दिया था। डिपार्टमेंट ने व्यापक उसके लिए प्रशासनिक तैयारियां करी हैं, उसको हम अमल में ला रहे हैं। अब जैसे प्रशासनिक तैयारियां सामने आएंगी क्रियान्वयन के रूप में तो आपको हमको सबको पता लग जाएगा। आज कैबिनेट ब्रीफिंग के माध्यम से हमें ये आया है कि उस डिपार्टमेंट ने जो योजना बनाई थी उसे अप्रूवल दे दिया गया है। अच्छा ये बताओ, ये बताओ आप जानवरों वाला दिखाई, अच्छा आप ही ने दिखाई। अरे भाई, एक बात, एक सवाल, पटवारी क्या करेगा? कौन पाया कदम आगे चल के थैले को हाथ में देगा, दाया आगे देगा? ये बारी कर लेगा, प्रशासन कर लेगा। अगर कहीं कोई कमी आए तो आप बताइएगा। आप तो साहब वहां भी सवाल उठा रहे थे जब लोगों को ये अनाज देने के लिए व्यापक यूं कहें आपकी दुकानों के ऊपर व्यापक हितग्राही भी आ जाए, जनता जनार्दन भी आ जाए, अधिकारी भी सब इकट्ठे हो जाए, ऐसा समारोह किया गया कि कोई चूके नहीं कि जिसे वो अनाज का थैला ना मिला उस पे। आप तो उस तैयारी पे भी आपत्ति कर रहे हैं, आपको वहां भी तैयारी है। विकास जी, फिरोज जी ने सवाल उठाया, मैं उसका उत्तर लूंगा कि जो कोरोना काल के दौरान जो आदमियों को जो भी बेचारे हैं उनको जो अनाज आपने बांटा वो जानवरों का खिलाने वाले बांटा, इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार ने दी है। और आपने किससे कार्रवाई की ये उठाए। लेकिन एक मिनट पहले, एक मिनट सानी जी से टिप्पणी। सानी जी, मेरा कहना है, एक मिनट विकास जी भैया, एक मिनट, आप बहुत संभाल लेते हैं। हाँ, एक मिनट, टूटी हुई है। अरे भाई विकास जी, एक दुकान के ऊपर टूटी होने को आप पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर टूटी हुई है सरकार के नीतिगत कामों पे। विकास जी, एक घोटाला, विकास जी है भाई, विकास यही यही तो आप पड़ी भी तो आ रही है। अरे भाई, यही तो आपकी खूबी है। अरे फिरोज जी, विकास जी एक मिनट, उस बात से विकास जी बात कर रहे हैं भाई। आप तो एकदम गेयर बार बार लगा देते हैं। विकास सैनी जी, ये जो योजना जिस तरह से बताई गई कि गांव-गांव में घर घर बांटे जाएंगे, अरे एक राशन की दुकान में जहां से बटता है, अभी आप भी आए दिन देखते होंगे कि जहां राशन की दुकान में बांटा जाता है वहां लाइन लगी रहती है, कोई चिल्लाता है मुझे मिला, कोई नहीं मिला। अब ये कैसे संभव होगा कि उस घर में 10 किलो राशन जाना है तो पहुंच ही गया, 10 किलो की जगह 8 किलो नहीं पहुंचा।
आप भी जानते हैं मानव प्रवृत्ति है, जाएगा 2 किलो निकालेगा 8 किलो भेजेगा, कैसे संभव है? क्या वो तराजू पलड़ा लेके जाएगा, ये ट्रैक्टर लेके जाएगा? उसको तो शायद व्हीकल की बात कही गई है कि हम उनको व्हीकल देंगे। त्रिपाठी जी, जो आपने सवाल उठाया उसमें मैं जाऊँ, पहले में फिरोज जी ने जो कहा है कि नैतिकता की जो बात है कि समय जो अभी इस समय नहीं है जी, तो आप देखिए कि राजनीतिक दलों से हम नैतिकता की तो बहुत उम्मीद नहीं करते हैं, और राजनीति करने का ही ये रहता है कि हम सब जो योजनाएं होती हैं वो सही समय पे वो अनाउंस करते हैं, जो उनको राजनीतिक लाभ भी उससे मिले। तो वो सारी पार्टियां करती हैं, जो भी सरकार में है तो उनका ये रहता है कि हम कोई योजना लाएं तो इसका हमें राजनीतिक लाभ भी मिले। तो हो सकता है वो समय उस वजह से उन्हें चुना हो, सरकारी लाभ उन्हें मिल जाए, चुनाव में लाभ मिल जाए। लेकिन जैसे आपने कहा कि इसको अमली जमा कैसे पहनाया जाएगा, तो बात यह है कि जब राशन के दुकान पे ही चोरियां खूब होती हैं और घपले होते हैं, तो जब लेके जाओगे तो उस बीच में और भी गायब हो जाएंगे। पर मेरा ही कहना है कि आप तो ये भी नहीं कह सकते सैनी जी, अगर कोई लेके जा रहा है तो पहले पकड़ लेते थे भाई ये अनाज कोटे का है, कहाँ लेके जा रहे हैं, अब वो बोलेगा बांटते जा रहा हूँ। नहीं, उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करते हैं, जैसे बायोमेट्रिक है जी, तो बायोमेट्रिक आज ये किया है, राशन शॉप में भी आज जाते हैं तो जो ग्राहक हैं उनको पहले अपना अंगूठा लगाना पड़ता है और उसका वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद उनको अनाज मिलता है, तो उससे ज्यादा मिल ही नहीं पाता है। तो जो नाप के ही बोरी में अगर वो नाप के लेके जाते हैं और वो वहां पे जब डिलीवर करते हैं तो उनका बोले हैं बायोमेट्रिक लेकर फिर वो डिलीवर करें, तो उससे एक रिकॉर्ड रहेगा आपके पास कि आपने किसको डिलीवर किया है और कहाँ पे पहुंचा। तो तरीके तो हैं, लेकिन अगर सरकार इस मामले में सीरियस है और अगर सिर्फ ये चुनाव के लिए उन्होंने घोषणा करी है तो बात अलग है, लेकिन चुनाव तो 2023 में भी है, इस घोषणा से अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जाएगा। लाभ मिलना है, चुनावी लाभ आगे तक मिलना है, तो इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी भाजपा को ही असर आएगा उस पर। तो मेरा ये कहना, जब तक कि इसको आगे आप समय बताएगा कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन आज के तारीख में टेक्नोलॉजी तो है जिसके जिस तरीके से इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, अगर टेक्नोलॉजी प्रॉपरली यूज करें, बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करें, और जब नपती होती है वहीं पे जो मशीन होता है वो उतना ही निकलता है, आप अगर वो रखेंगे, अगर एक परिवार को 10 किलो देना, 10 किलो आ गया उसको लॉक हो जाता है वो, तो इस तरह से आप उसको पूरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं चोरी कम होगी। मैं तो ये नहीं बोली कि पूरे तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से कम लाभ है। जो ग्राम है जिनमें आदिवासी रहता है उसमें आप 4G तो छोड़िए, 2G भी छोड़िए, आप नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। फॉरेस्ट जो है डालने ही नहीं देता, आप जो बफर जोन है कई सारे हैं, जो ऑफलाइन भी हो सकते हैं जी, पहली बात है। और दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी छोड़िए ना आप, यहाँ चर्चा का विषय नहीं है, उसे सरकार अमली जामा पहना रही है ना। बात ये है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के सामंजस्य से काम होता है। अच्छा ठीक है, आप मैं तो ये बता रहा हूँ कि आप मार्क उठाना है आपको, इसलिए आप चाहते नहीं की जनता के घर के ऊपर अनाज मिले। आप बोलिए ऐसा कि आप नहीं चाहते हैं, आप उसे बात का विरोध करते हैं, हो रहा है भाई। आप मुझे तो ये बताओ, 10 किलो गेहूं लेके जाते हैं, 8.5 किलो आटा कैसे हो जाता है ये बताओ मेरे, कहीं नहीं होता। अरे आपके कलेक्टर ने, ग्वालियर कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है, जिस तरह से आपकी सरकार में गेहूं आटा गधे घोड़े का गेहूं, वैसे आपके एमएलए भी सरकार कैसे लिख देती है भाई, गधे घोड़े का गेहूं आपने लोगों को खिला दिया भाई, स्पष्टता से। अरे भाई ये केंद्र सरकार कैसे लिख देती है, आप विकास है, आपकी राज्य सरकार झूठ बोल रही है, ये डबल इंजन सरकार का एक दिशा में दौड़ती है, अलग अलग दौड़ती है। आदिवासियों के लिए, उनके हित के लिए जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, गई हैं या जा रही हैं, वो क्या अमली जामा पहन रही है? बिल्कुल, अगर अमली जामा पहन रही होती तो उनके हाल बेहाल नहीं होते, अब तक सुधर चुके होते। देखिए आदिवासियों को फल लगाने के फलदार, उनके पानी नहीं पीने को उनको फलदार वृक्ष दिए जा रहे हैं, मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूंगा। नहीं नहीं, देखिए त्रिपाठी साहब, आदिवासियों को पिछले 15-17 सालों में काफी विकास के अवसर मिले और उनका कुटुंब भी, कुनबा भी, घर परिवार भी सब समृद्ध भी हुआ है पहले के मुकाबले। हम तो और आगे ले जाना चाहते हैं, आपने पढ़ाई लिखाई देखी, खेती उनकी देखी, अरे वन उपज के संग्रह को
समर्थन मूल्य प्राप्त होने लगा, इससे बड़ी बात मतलब इसमें भी आप कहेंगे ये टेक्नोलॉजी करेंगे आदिवासियों को ये चोरी हो जाएगी। अरे तो हर चीज में लगाना चाहते हैं, आप एक मिनट काम करते नहीं थे एक मिनट, और दूसरी सरकार काम कर रही है तो उसके ऊपर आप रोकना चाहते विकास। मैं तो ये कह रहा हूँ आज जोबट के जोबट के आदिवासियों के लिए एक चीज बता देता हूँ, आपकी सरकार ने महुआ बंद कर दिया उनका, ताली बंद कर दी उनकी, कमलनाथ जी कड़कनाथ बेच रहे थे डेयरी पे, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी निकल आई कि साहब कैसे ये दूध दूध जो है ये अपवित्र हो जाएगा और आप कैसे कड़कनाथ जो है बेचेंगे। तो ये बताओ कि भैया उनकी ताली महुआ चालू करा दोगे आप, वो जो बेचारे जंगल से बीन लेते हैं ताली का मटका उतार लेते हैं, तो कम से कम ये जो शराब के ठेकेदारों के साथ आप खड़े हो तो कम से कम वो आदिवासियों के साथ खड़े हो जाओ, आप कह दो चैनल पे कि साहब हम चालू करा देंगे। फिरोज भाई शायद वो पिछले एक डेढ़ महीने से विकास जो फाइनेंसिकारी में आया है शामिल किया जा रहा है, विकास जी आपकी आई नहीं है, वो विकास नहीं है, आई नहीं है विकास जी, फाइनेंसिंग आपके सवाल आपसे वो भी करा दे सवाल को सुन लीजिए भाई। अरे तो आज वो आदिवासी परंपराओं का ध्यान रखते हुए साइनी जी अपना सवाल करिए, विकास जी आज हम पुलिस स्टाफ पे नहीं है, साइनी जी सवाल आप कुछ कह रहे हैं। फिरोज जी मैं ये पूछ रही थी आपसे कि आप फिरोज जी फिरोज नहीं मतलब मेरा ये कहना है कि जहां तक योजनाओं में जो भी त्रुटियां होती हैं, जैसे आपने कहा ग्वालियर में अनाज में ये हो गया, सेंटर का रिपोर्ट आया, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आवाज तो विपक्ष को ही बनना पड़ेगा ना, आप लोग इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हो? और इस तरह से जो है जो गरीब लोग हैं जो ट्राइबल हैं आदिवासी जनता है, आपको पता है कि वो अपने आवाज नहीं उठा पाते, तो विपक्ष के जो नेता हैं वहां पे उनके जो लोग हैं वो इसको मुद्दा बनाए। तो आज तक जैसा चुनाव आ रहा है तो ट्राइबल बेल्ट में चुनाव है, इसको कांग्रेस क्यों नहीं मुद्दा बना रही? हम हर चीज का मुद्दा बनाते हैं, वो आपने सुना उन वो क्या कह रहे हैं वो अभी, ये झूठी रिपोर्ट है, केंद्र सरकार ने झूठी रिपोर्ट दी है, 8.5 किलो अनाज जो था जो 8.5 अरे 8.5 किलो जो अनाज था जो आटा पकड़ा गया वो किसने पकड़ा? छोटा आटा किसने पकड़ा गया ये बताइए आप, प्रवीण पाठक जी ने पकड़ा, कितने टन पकड़ा गया, कितने लाख टन पकड़ा गया, ये कोई फिगर है आपके पास में? एक थैले में ऐसा कोई कानून है क्या? थैले में 10 की जगह 8.5 निकल गया, हाँ। तो आप पूरे मध्य प्रदेश के परिदृश्य में उस ढंग से बात करेंगे क्यों? क्या आपने जांच कराई क्या उसकी? बात है आपने जांच कराई क्या उसकी? कलेक्टर को आपका ये रिपोर्ट दे रहा है कि भाई 10 किलो पिसाने जाते हैं 8.5 किलो आटा निकलता है, गैर तार्किक बात करें तो आप तो गैर विधायक के पास जाएंगे, आपके विधायक टूटते जाएंगे, विधानसभा में सवाल उठाओ विधानसभा बंद करके भाग जाएंगे, प्रश्न लगाओ ध्यान आकर्षण लगाओ आश्वासन लगाओ, 4-5 हजार बाकी वही है। विरोध जी इस योजना में कहां कमी दिख रही है वो सवाल उठाएं आप। देखिए ये योजना जो है धरातल पर लागू नहीं हो पाएगी, नंबर एक बात, जितना सरकार व्यय कर रही है इस पर उसकी जगह कांग्रेस सुझाव देती है कि आप खाने का तेल शक्कर साबुन तेल कंघा और जो कपड़ा जैसी चीजें आती थी वो उचित मूल्य पे सब्सिडाइज रेट पे उतने पैसे का उपयोग करिए कि वो राशन दुकान में दिया जाए। नंबर तीन, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि क्यों ना राशन दुकान अगर लोगों को 5 किलोमीटर से आना पड़ रहा है तब तो ठीक है, और यदि लोगों को 5 किलोमीटर की परिधि से दूर जाके आना पड़ रहा है तो क्यों ना उसी गांव में उप दुकान खोल दी जाए, सीधा ट्रक जाए उसी दुकान में, वहां लोग आए और आके ले ले, गांव होता कितना बड़ा है, अगर गांव की पूरी परिधि नापोगे तो पूरी 1.5 किलोमीटर की नहीं होती, तो उससे शासन का अपव्यय भी बचेगा, उससे फायदा भी लोगों को होगा, और जो आप खर्चा कर रहे हैं डीजल में कोई गाड़ी चलने वाली नहीं, ये किसी आदिवासी को दिला नहीं पाएंगे, ये जो पूरा गल्ला है ये लोगों के पास बढ़ जाएगा, सरकार निगरानी करनी होगी, ये बात हमारा कहना समय और ये चुनावी घोषणा है ये उसमें होना जाए। जलेबी बनाइएगा तो संक्षेप में एक ही बात कह रहा हूँ कि आने वाले महीनों में अगर इसी प्रकार की योजना के ऊपर छत्तीसगढ़ की या कांग्रेस शासित अन्य राज्यों की योजना में काम होगा तो फिरोज भाई के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि AICC में जो मध्य प्रदेश के डेलीगेट्स हैं वो वहां की सरकारों के प्रति विरोध जाहिर करेंगे, ये फिरोज भाई कह दें यहां पे आज नहीं ये कह दीजिए आप, आपकी पार्टी की इंटरनल मीटिंग में है, उसके ऊपर मध्य प्रदेश के डेलीगेट्स लेकिन उसका क्रियान्वयन बड़ा मुश्किल है, क्रियान्वयन बड़ा मुश्किल है, क्रियान्वयन कोई मुश्किल नहीं है, इसके ऊपर गहन अध्ययन हुआ है,
दूसरे राज्यों में जो कुछ काम वो बता रहे हैं ना, किसी आदमी की गाड़ी फाइनेंस करा पाओगे, चलो करा दिया, ये तो किस तरह से बांटेगा, कैसे? बात बताइए त्रिपाठी साहब, इतना बड़ा अनुत्सव किया हमने, दो महीने से कर रहे हैं, लोगों को उसका फायदा मिल रहा है, लोगों की चौकसी में, मीडिया की चौकसी में राशन वितरण हो रहा है, कांग्रेस ने मीडिया चौकसी लगा दिया, मीडिया सब पहुंचता है जब अन्न उत्सव का कार्यक्रम हर दुकान पे हो रहा है, इसलिए ना खिंचवा रहा है, अरे वो ठहरिए, आप तो फोटो भी नहीं खिंचवा रहे, क्या कमी रह रही है उसके लिए भी शाइनी जी ने सही कहा, कहां क्या कमी रह रही है, कम से कम आप बताते हैं ना, इंगित तो कल तक कौन सी इंगित कर रहे हैं, हमने बताइए 500 घटनाएं को ये रुक जाइए, रुक जाइए, केवल थाना आपको हमने बताया था कि जनता के करोड़ों रुपए आपने मोदी जी शिवराज जी के फोटो में लगा दिए, अधिकारी उच्च अधिकारियों द्वारा या जांच कमेटियों द्वारा जो कमियां लोअर प्रशासनिक अमले की गई पकड़ी गई है, केवल आप उन्हीं को दोहरा रहे हैं, वो भी किसकी निगरानी में पकड़ी गई है, इसी मध्य प्रदेश शासन की निगरानी में पकड़ी गई है, पवन में सब हरा हरा दिखता है, फील्ड में जाओ तो कुछ दिखता ही नहीं है, ये तो खुद चीफ मिनिस्टर कहते हैं, तभी तभी अरे भैया कमलनाथ जी अपने अधिकारियों को ना मोटिवेट कर पाए, ये भी ना पनिश कर पाए, इसलिए कमलनाथ जी की सरकार के विधायक भी कम होते चले गए और सरकार चली गई, क्योंकि उनका उनको फिरोज भाई गाइड करते हैं कि साहब ऐसा कभी मत कहिए अधिकारियों को कि यहाँ बैठ के तुम्हें हरा हरा दिखाई देता है, मैदानी कार्यकर्ताओं से मैदानी अमले से जानकारी लो, इसलिए कमलनाथ जी चलिए। आज एक रेटिंग आई है जिसमें सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री पूरे देश में भूपेश बघेल है कांग्रेस के, विकास जी उनको बधाई देंगे? नहीं, अगर रेटिंग आई है जिस एजेंसी ने की है और उसका क्या वो उसकी क्या परिधि रही है क्या रही है, लेकिन चूंकि अब रेटिंग है भूपेश जी खुश है तो उन्हें बधाई हो साथ। दूसरे नंबर पे आपकी सरकार के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की है, सबको बधाई हो जहां जिसको मोटिवेशन को, सुनिए ना मैं कह रहा हूं, जिसको जहां कोई भी मोटिवेशन मिल सकता हो जनता के सहायता के काम करने के लिए तो उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, ये सब किस लिए किया जाता है, टू मोटिवेट दी फोर्सेस। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया है, सैनी जी आपसे एक और टिप्पणी लेनी थी लेकिन समय ज्यादा हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिरोज जी आपका, विकास जी आपका। तो चुनाव के वक्त सरकार के द्वारा की गई घोषणाएं कांग्रेस को फिलहाल रास नहीं आ रही है और सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार ने योजनाओं को लेकर बड़ा ऐलान तो कर दिया लेकिन क्या सरकार पूर्व में हुई घोषणाओं को भी पूरा करेगी। वही सवाल यह भी है कि सौगात तो बहाना है, उपचुनाव के साथ मिशन 2023 पर भी निशाना है। जनता का जवाब देता है। नमस्कार।